हेलो वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो मेरा नाम है मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में इंग्लिश हिंदी दोनों की लिंक्स आपको मेरे ओपन कमेंट बेस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर थ्री थाउजेंड सब्सक्राइबर गाइज एंड लेट्स कीप ग्रोइंग ठीक है स्टार्ट करते हैं ये वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम एंड एमिंग फॉर हंड्रेड लाइक्स इन दिस वीडियो मैं आपको दो स्टॉक्स बताऊंगा अच्छे स्विंग स्टॉक्स ठीक है बाकी आज से मैं एक नई चीज स्टार्ट करने वाला हूँ इज जर्नलाइजिंग ठीक है क्या मैं जर्नल बनाता हूँ वैसे तो मैं अलग जर्नल्स बनाता था अपना रफ बनाता था बट मैं सोचता हूँ एक, एक पर्टिकुलर वे से बनाता हूँ सब कुछ क्योंकि ये आपको भी हेल्प करेगा और क्या पता ये मुझे भी हेल्प कर जाए ठीक है क्योंकि जर्नलाइजिंग थिंग्स हेल्प्स अ लॉट टेल्स यू कि आपने क्या गलतियां करी थी ठीक है तो मेरा जर्नल जो है अब से मैं एक पीडीएफ या फिर किसी फॉर्मेट में पी एनजी फॉर्मेट में ठीक है एक पिक्चर के फॉर्मेट में अपने डेली मार्केट एनालिसिस जैसे कि मैं डालता हूँ आप लोग देख सकते हो इस तरीके से इसी के नीचे एक दूसरी

ऊपर से बनाओगे तो आपको देखेगा ये एक लाइन बन रही है बट दिस इज नथिंग जस्ट अ रेजिस्टिव लाइन तो मैं इसको हटा देता हूं फिर मुझे देखा कि ये ज्यादा टचेज uh, वाली लाइन है सो आई विल कंसीडर दिस एज अ मेजर लाइन अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि यहाँ पे एक इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का आप देख सकते हो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप का ब्रेकआउट हो रखा है आप कह सकते हो एडम ईव बना हुआ है एंड देन अगेन अ यू कप ब्रेकआउट ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे हायर लो बना के दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की ये लो बना फिर एक हायर लो बना एंड देन अगेन अ बुलिश कैंडल एंड देन अगेन अ हायर लो फिर एक

अभी मार्केट जो है अचानक से वीक हो गई तो मैंने पोजीशंस नहीं क्रिएट करी है मैं टाइम टेक्नोप्लास्ट एंड आई डी बी आई बैंक दोनों में पोजीशन कल मॉर्निंग में क्रिएट करूंगा और आपको बता दूंगा कि मैंने पोजिशन बना दी है ठीक है अब निफ्टी देखते हैं सबसे पहले काफी डिवास्टेटिंग फॉल था जो फॉल आया एंड इट वाज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि इस तरीके से फॉल कर जाएगी मार्केट आफ्ट सी इट्स नॉट माय होप मेरी कोई होप नहीं थी कि मार्केट जो है uh, गिरेगी नहीं या फिर इट वाज़ समथिंग लाइक दैट है बट हाँ प्राइस एक्शन ने अचानक से बोला कि या एवरीथिंग स्टार्टड इस तरीके से प्राइस एक्शन ने मुझे बताया कैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस एक्शन केम टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट टू सपोर्ट एट दिस एरिया ठीक है ये सबसे मेजर बात है कि जब यहां पे ये सपोर्ट ले रहा था आप देख सकते हो ठीक है तो व्हाट वी नीडेड वी नीडेड अ कंफर्मेशन कैंडल यहां पे हम लोगों को ये इस तरीके से सपोर्ट बन गया वी नीडेड अ कंफर्मेशन कैंडल या तो इस तरीके से एक प्राइज एक्शन बनता अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न तब वहां पे एक लॉन्ग पोजिशन आप क्रिएट कर सकते थे यहाँ पे एंड आपका स्टॉप लॉस क्या होता इसके नीचे कुछ एट्टी सेवेंटी पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते एंड एमिंग फॉर अ हायर लो इस तरीके से आप प्लान करते हैं और ये ट्रेड मैंने आपको दी भी थी कि यार इस तरीके से हम प्लान करेंगे अपनी ट्रेड ठीक है ये 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 मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो ये ट्रेड प्लान यहां पे शो कर रखा है टेलीग्राम पे ठीक है तो ये अपना प्लान था बट ऐसा नहीं हुआ ब्रेक डाउन हो गया और ब्रेक डाउन इतना फास्ट हुआ कि वो हम लोग कैप्चर नहीं कर पाए बहुत लोगों ने कैप्चर करा होगा एंड बोला होगा कि यार ये तो डबल टॉप है यहाँ पे ये ब्रेक डाउन मिला तो यार डबल टॉप तो कल भी यहाँ पे मुझे मिला था ठीक है बट यहाँ पे ब्रेक डाउन परफेक्टली मैंने कैप्चर करा था बट क्या हुआ बैकअप ठीक है ऊपर आ गया तो मुझे लगा कि मार्केट अब बुलिश है यार ये डबल टॉप्स पे भी मल्टीपल टाइम्स एक लेवल को हिट करने के बाद डबल टॉप बनाने के बाद नीचे नहीं जा रही है लोअर लो क्रिएट नहीं कर रही है तो मुझे लगता है कि मार्केट जो है एक अपवर्ड मूवमेंट देगी और उसने दिया भी गैप अप हुआ गैप अप सस्टेन भी हुआ देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि गैप अप हो गया गैप अप तो यार कभी भी हो सकता है उसके बाद एक्सोशन गैप में बदल सकता है बट ये जो गैप है यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे ये गैप रन अवे गैप में कन्वर्ट हुआ यार पे एंड डे का हाई ब्रेक करा तो डे का हाई ब्रेक करने पे एंट्री तो नहीं बनती है हमारी हमको बताए ठीक है कि हम एक स्वीट स्पॉट पेंट्री करते हैं दिस इज नॉट आर स्वीट स्पॉट तो स्वीट स्पॉट क्या होता है कि एक रिट्रेसमेंट देके इस गैप को फिल कर दो भाई एंड फिर एक एंट्री यहां पे एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाओ अपवर्ड के लिए बट वो नहीं बना क्या बना नीचे के लिए ब्रेक डाउन हो गया बहुत ही शार्प ठीक है अब लोग कह रहे हैं कि ये करेक्शन है ठीक है बट आई डोंट थिंक सो कि ये करेक्शन है बिकॉज ये काफी अजीब सा एक फॉल है ये एक वर्टिकल फॉल है पांच मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो देखो कितना स्लोली स्टेडली एक कर्व आ गया ठीक है तो जब भी आप देखते हो कि ये कर्व टाइप फॉर्मेशन में मार्केट फॉल होती है ना तो इसका मतलब है कि हर कैंडल पे पोजीशन जो है लूजन अप हो रही है हर पोजी हर मतलब हर कैंडल पे मार्केट जो है नीचे के लिए अपनी पोजीशन बना रही है और, और नीचे जाने के लिए तो मुझे लगता है कि यहाँ से अभी हम लोग को और डाउन साइड देखने को मिल सकता है मार्केट में सो ट्रेड सेफली प्लीज एंड मैंने तो यहाँ पे एक ट्रेड ली भी थी ठीक है वो ट्रेड मैंने डिस्कस नहीं करी बट मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेड कहाँ पे ली थी ठीक है मैंने इस पिन बार पे ट्रेड ली थी एंड यू कैन इमेजिन वाई मैंने क्यों मैंने ट्रेड ली वेरी गुड सपोर्ट एट दिस एरिया ठीक है एंड यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेके इतनी ब्यूटिफुल कैंडल इसने यहाँ पे बनाई लोअर विक रिजेक्शन हाई लोअर विक रिजेक्शन ठीक है मेरा प्लान था कि मैं एक uh, कम लॉट से जाऊंगा दैट इज वन लॉट ओनली एंड आप देख सकते हो कि वन लॉट पे भी यहां पे बहुत ब्यूटीफुल प्रॉफिट्स हम लोगों को अचीव होते अगर हम लोग एक हायर हाई अचीव करते सो फोर पॉइंट्स का मेरा टारगेट था विदॉल स्टॉप लॉस ऑफ वन फिफ्टी दो वन इज टू थ्री रिस्क रिवॉर्ड मतलब मिलेगा तीन जाएगा एक इस तरीके से मैंने प्लान करा था बट अनफॉर्चुनेटली मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है ठीक है तो ये मेरा स्टॉप लॉस था आज के लिए बैंक निफ्टी में Uh, lost अराउंड थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ऑनली ठीक है क्योंकि एक लॉट ट्रेड कर रहा था मिलता कितना दस हजार के आसपास ठीक है तो ये ट्रेड मुझे अच्छी लग रही थी कि यार दस हजार मिल रहे हैं और अगर नहीं भी मिलते हैं तो कोई बात नहीं तीन हजार पांच सौ रुपए के आसपास जाएगा ठीक है उतना देने के दे लिए मैं बहुत आराम से तैयार हूँ उसमें आग बंद करके मैं दे सकता हूँ ठीक है तो ये मेटालिटी जब होती है गो फॉर दैट ट्रेड ठीक है एंड मुझे लगता था कि यहाँ पे एक अच्छा बन सकता है प्राइज एक्शन क्या पता मैंने एक जल्दी एंट्री ले लिया कंफर्मेशन आएगा तो आई विल हैड मोर रॉट्स बट राधर गेव अ ब्रेक डाउन एंड कंटिन्यूड ओके एंड अब देखो आप फिर से एस डी एक्स फोर्टी पॉइंट है तो जो लोग कैरी ऑन करके गए हैं पोजिशन यहां से जस्ट इमेजिन की जो लोग कैरी ऑन करके पोजिशन गए हैं यहां से अब उनका देखो फोर्टी फिफ्टी पॉइंट यहाँ से अप है एंड जिन लोगों ने यहाँ शॉर्ट मारा है अब आप देख लो फोर्टी फिफ्टी पॉइंट यहाँ से वापस उन्हीं पोजीशन पे आ जाता है तो कोई पॉइंट नहीं रह गया राइट सो so, यहाँ से हम कैरी ऑन भी नहीं कर सकते हैं, पोजीशन क्योंकि हम लोगों ने एक मैंटेलिटी बनाई हुई थी साइकोलॉजी ये बोल रही थी कि जिस तरीके से मार्केट गैप्स को फिल कर रही है ऊपर सॉरी डिप्स को फिल कर रही है ऊपर के लिए तो लग रहा था कि एक अपसाइड मोमेंटम जनरेट होता है बट अब अचानक से फिर से एक डाउन मोमेंटम आ गया तो क्या हम लोग और नीचे जाएंगे ठीक है क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन नहीं अभी हम लोग नहीं कर, कर सकते इस चीज को क्लैरिफाई ठीक है ये बताएगा वीकली टाइम फ्रेम तो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग पॉजिटिव positive... होते होते हैं। अगर पे हम होते हैं, that's a different story. और अगर पे दैट्स अ गुड चांस कि हम लोग और नीचे फॉल कर सकते हैं यहाँ से बट अगर हम लोग यहीं रह जाते हैं इसी जोन में रह जाते हैं तो देर इज अ ग्रेट चांस कि हम ये इनसाइडर बार बार इनसाइडर वीक बना देंगे यहाँ पे एंड फिर उसके बाद जो है मार्केट जो है

And, uh, uh, बाकी जर्नल या yeah, जर्नल जो है गाइस हंड्रेड लाइक्स कर दो ठीक है एंड आई विल प्रोड्यूस द जर्नल ठीक है हंड्रेड लाइक्स यूट्यूब पे होते ही मैं जर्नल देना चालू कर दूंगा जिस दिन जिस जिस दिन मेरे हंड्रेड लाइक्स होंगे यूट्यूब पे आई विल प्रोड्यूस द जर्नल जो मैंने पूरे दिन क्या करा कैसे करा ठीक है एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड ही बाकी जो मैं करता हूँ ऑफकोर्स वो मेरा पर्सनल मटेरियल है मैटर है ठीक है वो मैं नहीं लिखता हूँ अपने जर्नल्स में मैंने ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या क्या किया वो जरूर मैं डिस्कस करूंगा एंड अपना पूरा पेज दिखाऊंगा क्या पता कुछ हेल्प आपको उससे हो जाए ठीक है थैंक यू सो मच विल सी यू इन वीडियो स्टे ट्यून रहिएगा लॉर्ड ऑफ गुड कंटेंट इज कमिंग अप थैंक यू सो मच गाइस